हरे कृष्णा। तो आज बैसाख महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का दिवस है। तो इस एकादशी का जो महात्म्य है इसको हम सुनेंगे। युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं श्री कृष्ण से कि हे वासुदेव, बैसाख के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी महिमा मुझसे कहिए, आपको नमस्कार है। वैसाख्य वैसाखस्या शिते पक्षे किम नाम एकादशी भवे महिमानम कथय मे वासुदेव नमोस्तुते। तो युधिष्ठिर महाराज प्रश्न कर रहे हैं, बहुत आदरपूर्वक प्रश्न कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण से वो प्रश्न कर रहे हैं। और जैसे कि गीता में भगवान कहते हैं कि परिप्रश्न सेवया, सेवा पूर्वक प्रश्न करना चाहिए, और प्रणिपातेन और समर्पण पूर्वक प्रश्न करना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज उसी विधि का पालन कर रहे हैं। श्री कृष्ण जो तत्वदर्शी भगवान, साक्षात भगवान हैं, संपूर्ण ज्ञान के जो भंडार हैं वो श्री कृष्ण आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं, उनसे युधिष्ठिर महाराज प्रश्न कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस लोक में और परलोक में सौभाग्य को देने वाली जो वैसाख कृष्ण एकादशी है इसका नाम है वरूथनी। सौभाग्यदायिनी राजन, यह लोके परत्र च वैसाख कृष्ण पक्षे तो नामना चैव वरूथनी। तो भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो वरूथनी एकादशी है ये इहलोके परत्रचा, इस लोक में और परलोक में दोनों प्रकार की स्थिति में सौभाग्य प्रदान करती है, इस जीवन में और अगले जीवन में सौभाग्य प्रदान करती है। वरूथनी के व्रत को जो करता है उसको सदैव सुख रहता है, पापों की हानि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो ये जो है इसका फल है वरूथनी एकादशी का, कि जो करेगा सदैव सुख रहेगा, पापों की हानि होगी और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। वरूथन्या व्रते नैव सौख्यम भवति सर्वदा पाप हानिश्च भवति सौभाग्य प्राप्ति रे विचा। अगर कोई दुर्भगा स्त्री, दुर्भगा का मतलब जो दुर्भाग्य से पीड़ित है, दुर्भगा स्त्री भी इस व्रत को करे तो सौभाग्य को प्राप्त होती है। ये सब लोगों को भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली है। दुर्भगापि करोत्ये नाम स्त्री सौभाग्यम आपनुयाम लोकानाम चैव सर्वेशाम भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। और ये एकादशी मनुष्य के सब पापों को दूर करती है। इस वरूथनी का व्रत करने से ही मानधाता को परम गति प्राप्त हुई। सर्व पाप हरा निर्णाम गर्भवास निकृंतनी वरूथन्या व्रते नैव मानधाता स्वर्गतिम गतः। और भी इस प्रकार के बहुत से राजा हुए हैं, धुंधुमार आदि, तो वे भी परम गति को प्राप्त कर चुके हैं। और शिवजी भी ब्रह्म कपाल से मुक्त हुए। तो शिवजी के ऊपर बड़ा संकट आया था कि एक कपाल का मतलब सिर है, तो वो उनके लिए जो है एक बहुत बड़ी बाधा हो गई थी कि एक ब्राह्मण का जो सिर है वो उनके शरीर से चिपक गया था। तो इस बाधा से भी मुक्त हुए, शिवजी भी इस बाधा से मुक्त हुए। धुंधुमारा दयश्चान्य राजानो भाव तथा ब्रह्म कपाल निर्मुक्तो बभूव भगवान भवः। 10,000 वर्ष तक कोई व्यक्ति तप करता है तो उस फल के समान वरूथनी एकादशी के व्रत करने का फल है। सोचिए कितना बड़ा इसका जो है महात्म्य है। 10,000 साल तक कोई तपस्या करे और एक दिन एकादशी वरूथनी एकादशी का व्रत करे तो बराबर है। 10 वर्ष है सहस्राणी तपस्तप्यति नो नरहं तत्तुल्यं फलमाप्नोति वरूथन्या व्रतादपि। जो श्रद्धावान मनुष्य वरूथनी के व्रत को करता है
वह पुरुष इस लोक और परलोक में वांछित फल को प्राप्त करता है। श्रद्धावान्यस्तु कुरुते वरुथन्याव्रतम नरहां वांछितम लभते सोपि यह लोके परत्र च। ये अपने को भी पवित्र करती है, दूसरे को भी पवित्र करती है। ये वरुथनी महापापों का नाश करती है। तो हे राजन, व्रत करने वाले मनुष्य को भुक्ति मुक्ति प्रदान करती है। पवित्रा पावनी हेषा महापातक नाशिनी भुक्ति मुक्ति प्रदान हेषा कर्तृनाम नपसत्तम। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अपने आप में पवित्र है और ये पावनी यानी पवित्र करती भी है, स्वयं पवित्र है और पवित्र करती भी है और बड़े बड़े पापों का नाश करती है। हे राजन, घोड़े के दान से हाथी का दान विशेष होता है। अब दान की जो है बात कर रहे हैं भगवान कि कई प्रकार के दान होते हैं, तो कोई घोड़े का दान करे उससे बढ़कर के हाथी का दान होता है, फिर हाथी के दान से भी बढ़कर भूमि का दान होता है। अश्वदान श्रेष्ठ है गजदानम विशिष्यत गजदानात भूमिदानम तिलदानम ततोधिकम। तो सबसे पहला दान घोड़े का दान, उससे बढ़कर के दान दूसरा क्या है हाथी का दान, उससे भी बढ़कर के दान क्या है तीसरा भूमिदान, फिर उससे भी बढ़कर के चौथा दान है तिल दान, तिल का दान करना, फिर उससे भी बढ़कर के सुवर्ण का दान है। तो कितना हो गया, 1, 2, 3, 4 पांचवा, तो पांचवा है सुवर्ण दान, और सुवर्ण दान से भी बढ़कर के छठवां है अन्नदान। अन्नदान से बढ़कर के कोई दान ना हुआ है और ना आगे चल करके होगा। तथा सुवर्ण दानम तो यन्नदानम ततोधिकम अन्नदानात् परम दानम न भूतम न भविष्यति। तो छह प्रकार के दान भगवान ने बतलाए, घोड़े का दान पहला, उससे बढ़कर के हाथी का दान दूसरा, फिर उससे बढ़कर के भूमि का दान तीसरा, उससे बढ़कर के तिल दान चौथा, उससे बढ़कर सुवर्ण दान पाँचवा, उससे भी बढ़कर के अन्नदान छठवां, और अन्नदान से बढ़ करके ना कोई दान हुआ और ना आगे चल करके होगा। क्योंकि जो पितर अपने पितर हैं, देवता हैं, मनुष्य हैं, इन सब की तृप्ति अन्न से ही होती है। तो हे राजन, कवीश्वरों ने कन्यादान अन्नदान के समान बताया है। पितृदेव मनुष्याणाम तृप्तिरे तृप्तिरन्न न जायते तत्समम कवि भी प्रोक्तम कन्यादानम नृपोत्तम। और ये भगवान ने स्वयं भी कहा है कि गौ का दान उसके बराबर है, तो गौ का दान भी उसके बराबर है, यानी अन्नदान और कन्यादान और गौदान, ये तीनों दान बराबर हैं, और सब कहे हुए दानों से विद्यादान अधिक है। धेनुदानम च तत्तुल्यम इत्याह भगवान स्वयं प्रोक्तेभ्यः सर्वदानेभ्यो विद्यादानम विशेष्यते। तो विद्यादान सबसे बढ़ करके, और कौन सी विद्या, अध्यात्म विद्या, भगवद गीता का जो ज्ञान है वो सबसे श्रेष्ठ है। और बरुथिनी का व्रत करके मनुष्य उसी फल को प्राप्त करता है। कौन सा फल प्राप्त करता है, कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना, हरिनाम का प्रचार करना, है ये जो विद्यादान है। तो हरिनाम के प्रचार में कोई जीवन समर्पित कर दे, कृष्ण भावनामृत के प्रचार में कोई जीवन समर्पित कर दे, श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के वितरण में कोई अपना जीवन समर्पित कर दे, तो यह सबसे बड़ा दान है। और इसी के बराबर जो है बरुथनी एकादशी का व्रत होता है। तत्फलम समवाप्नोति नरकृत्वा वरुथिनी कन्या वित्तेन जीवन्ति ये नरा पाप मोहिता। अब जो लोग जो है पाप से इतने मोहित हो जाते हैं कि कन्या के धन से जिंदा जीवन बितीता अपना जीवन चलाते हैं, जो कन्या के धन से अपना जीवन चलाते हैं
वे बहुत पापी होते हैं और उनको जो है नरक में निवास करना पड़ता है। तब तक महाप्रलय जब तक नहीं होती है, इसलिए सर्व प्रयत्न से कन्या के धन को नहीं लेना चाहिए। तेनरा नरकम यान्ति यावदा भूते संलभम तस्मात् सर्व प्रयत्नेन न ग्राह्यं कन्यका धनम। जो लोभ से कन्या को बेचकर धन लेते हैं सो निश्चय दूसरे जन्म में बिलार होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। कन्या को बेच करके धन कोई लेता है तो बिलार होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यस्य गृहणाति लोभेन कन्याम क्रीत्वा च तद्धनम शून्य जन्मनि राजेन्द्र ओतुर्भवती निश्चितम। जो यथाशक्ति धन युक्त कन्या को अलंकृत करके दान करते हैं उनके पुण्य की गणना करने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। कन्याम वित्तेन यो दद्यान् यथाशक्ति अलंकृताम तत्पुण्य संख्याम कर्तुम न चित्रगुप्तो भवत्यलम। उसी फल को मनुष्य वरुधिनी एकादशी के व्रत करने से प्राप्त करता है। तो वरुधिनी एकादशी इतनी शुद्ध है, इतनी शक्तिशाली है कि ये सब जो है सबसे बड़ा जो दान है कन्यादान और विद्यादान धेनुदान अन्नदान इसके बराबर फल प्रदान करती है। तत्फलम समवाप्नोति नरः कृत्वा वरुधिनीम कांस्यम मांसम मथुरान्नम चलकान को द्रवान तथा। तो एकादशी के दिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका हमें जो है जिनको हमें नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसे कार्य हैं कि जिनको हमें नहीं करना चाहिए। तो जुआ खेलना है, पराई निंदा करना है, पतितों के साथ बात करना है, क्रोध करना है, झूठी बात बोलना है, तो ये जो कार्य हैं तो ये जो है एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। व्यायामम चा प्रयासम चा पुनर्भोजन मैथुने क्षारम तैलम परान्नम चा द्वादश्याम परिवर्जयेन। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इस विधि से जो लोग वरुधिनी का व्रत करते हैं उनके सब पापों को नष्ट करके वरुधिनी अंत में अक्षय गति प्रदान करती है। अनेन विधिना राजन विहिताय वरुधिनी सर्व पाप क्षयम कृत्वा दद्याचान्ते क्षयाम गतिम। इन सब यत्नों से पापों से डरे हुए जो मनुष्य हैं, जो यमराज से डरते हैं, तो उन्हें वरुधिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो पापों से डरे हैं, यमराज से डरे हैं, तो जो अपने पापों का फल नहीं भोगना चाहते और यमराज के सामने नहीं जाना चाहते, जो नरक में नहीं जाना चाहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? वरुधिनी एकादशी का सभी प्रयत्न से व्रत करना चाहिए। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन कर्तव्य पाप भीरु भी छपारी तनया भीतर नरदेव वरुधिनी। अब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को और भी बताते हैं कि ये जो एकादशी का महात्म्य श्री कृष्ण ने जो युधिष्ठिर महाराज को बताया है तो इसको कोई पढ़ता है और कोई सुनता है, तो मैं पढ़ रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, तो उससे क्या होता है, महात्म्य भी पढ़ने और सुनने से हजार गऊओं के दान का फल प्राप्त होता है और समस्त पापों से हम छूट जाते हैं और विष्णु लोक में आनंद करते हैं। पठना श्रवणाद राजन गो सहस्र फलम लभे सर्व पाप है विनिर्मुक्तो विष्णु लोके महीयते। तो इतना बड़ा फल एकादशी के महात्म्य का, वरुधिनी एकादशी का महात्म्य श्री कृष्ण ने जो युधिष्ठिर महाराज को बताई है, इस कथा को भी अगर हम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हजार गऊओं के दान का फल प्राप्त होता है, सब पापों से मुक्ति प्राप्त होती है और विष्णु लोक में आनंद प्राप्त होता है। तो ये भविष्य पुराण में ये जो वैशाख कृष्ण
बरोथनी एकादशी का महात्म्य है। तो इसका जो है पाठ हमने पूरा किया। इति श्री भविष्य पुराणे वैशाख कृष्ण बरोथनी एकादशी महात्म्यम समाप्तम। धन्यवाद। हरे कृष्णा।